आईक्यू नियो 5S को 3D साउंड सराउंड का ऑप्शन मिलता है, जो कि दोस्तों काफी लेटेस्ट और काफी बेहतर टेक्नोलॉजी मानी जाती है। दोस्तों आईक्यू नियो 5S की एक बात ने मुझे काफी ज्यादा चौंका दिया, काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया, और वो है दोस्तों इसका टच सैंपलिंग रेट। यहाँ पर दोस्तों आपको 1000 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है, जो कि दोस्तों अपने आप में ही काफी ज्यादा बड़ी बात है, जिसका सीधा मतलब ये है दोस्तों कि 1 सेकंड में आपका फोन 1000 बार सेंस कर सकता है आपके टच को। आईक्यू कंपनी ने दोस्तों अपने दो नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं, और वो स्मार्टफोन है दोस्तों आईक्यू नियो 5S और आईक्यू नियो 5SE। आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आईक्यू नियो 5S स्मार्टफोन से जुड़ी सभी खबरों के बारे में, कि स्मार्टफोन की प्राइस क्या रहने वाली है, इसके स्पेसिफिकेशन क्या है, और क्यों दोस्तों इस स्मार्टफोन को क्रेजी गेमिंग फोन कहा जाता है। इन सभी बातों के बारे में दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हे गाइस, मैं हूं जिग्नेश, आप देख रहे हो कैम्चोटेक। आइए शुरू करते हैं। डिजाइन की दोस्तों बात करें तो बैक साइड कर्व काफी रिफ्रेशिंग डिजाइन आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। जहां पर कंपनी ने दोस्तों 3 कैमरे की हाउसिंग दी है, उसी के बाजू में दोस्तों कंपनी ने LED फ्लैश लाइट दी है, वहीं पर दोस्तों आपको नीचे OIS लिखा हुआ मिलने वाला है, वहीं कंपनी की ब्रांडिंग भी आपको मिल जाएगी। जबकि दोस्तों फ्रंट में आपको सिंगल सेंटर पंच होल कंपनी ने दिया हुआ है। दोस्तों तो यहाँ पर एक काफी रिफ्रेशिंग और काफी आकर्षक डिजाइन इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको प्लास्टिक की फ्रेम और फ्रंट पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलने वाला है। डिस्प्ले की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आपको 662 इंच की फुल HD प्लस OLED AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जिसका हायर रिफ्रेश रेट 120Hz होने वाला है। दोस्तों इस स्मार्टफोन की एक बात ने मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया, काफी ज्यादा चौंका दिया, और वो है दोस्तों इसका टच सैंपलिंग रेट। यहाँ पर दोस्तों आपको 1000 Hz का टच सैंपलिंग रेट मिलता है, जो कि दोस्तों अपने आप में ही काफी ज्यादा बड़ी बात है, जिसका सीधा मतलब ये है दोस्तों कि 1 सेकंड में आपका फोन 1000 बार सेंस कर सकता है आपके टच को। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको 1300 Hz की मैक्स नीट ब्राइटनेस मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी कंपनी ने दिया हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको काफी बेहतरीन डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिलने वाला है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों ये एक गेमिंग स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर भी कंपनी ने कोई भी कमी नहीं रखी होगी। यहाँ पर कंपनी ने दोस्तों क्वाडकॉम का पावरफुल स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट काफी बार हीट होता है, तो दोस्तों कंपनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है मेटल कूलिंग ब्रैकेट, जो कि आपको स्मार्टफोन की हीट को 80% तक रिड्यूस कर देगा। कैमरे की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर भी आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पर भी दोस्तों कंपनी ने AAA कैमरा सेटअप दिया हुआ है, जिसमें दोस्तों 48MP का प्राइमरी सेंसर होने वाला है, जिसमें कंपनी ने दोस्तों सोनी के IMX598 सेंसर का इस्तेमाल किया हुआ है, जो दोस्तों OIS सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा दोस्तों 13MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो लेंस भी शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए यहाँ पर दोस्तों 16MP का एक शानदार कैमरा भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों काफी सारे लेटेस्ट कैमरा मोड आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो दोस्तों कैमरे में भी आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। पावर बैकअप के लिए कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर 4500 mAh की ड्यूअल बैटरी दी है, जो दोस्तों 66W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है, जो दोस्तों काफी जल्दी आपके स्मार्टफोन को चार्ज करके दे देगा। साथ ही दोस्तों आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन की थिकनेस है दोस्तों 8.39 mm, जबकि इसका वेट है 196 ग्राम। सॉफ्टवेयर की दोस्तों बात करें तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 बेस्ड ओरिजिन OS ओशन पर काम करता है। यहाँ पर दोस्तों आपको LPDDR5 RAM और USB 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट मिलने वाला है। अदर कनेक्टिविटी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.2, वाईफाई 6 और USB टाइप सी पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स मिलने वाले हैं। वेरिएंट की बात करें तो कंपनी ने स्मार्टफोन में दोस्तों चाइना में 3 वेरिएंट में लॉन्च किया है, और वो है दोस्तों 8GB रैम और 128GB फोन स्टोरेज, 8GB रैम और 256GB फोन स्टोरेज और 12GB रैम और 256GB फोन स्टोरेज, जिसका स्टार्टिंग वेरिएंट की कीमत दोस्तों इंडियन रुपीस में करीब 32,000 के आसपास होती है, जबकि इसके हायर वेरिएंट यानी कि 12GB रैम और 256GB फोन स्टोरेज वाले वेरिएंट की इंडियन रुपीस में कीमत करीब दोस्तों 38,000 के आसपास होती है। लेकिन दोस्तों कंपनी अगर इन स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में लॉन्च करती है तो इसकी कीमत करीब 4,000 से 5,000 रुपये ज़्यादा हो जाएगी।
तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।